देखिए, हमें कोई जिलाधिकारी या यहाँ के प्रशासन पर कोई श्रद्धे नहीं है, लेकिन क्योंकि भारतीय जनता पार्टी के वर्तमान सांसद, भाजपा के उम्मीदवार, बड़े बड़े नेता और मंत्री पूरे जिले में ये कहते घूम रहे हैं कि दो तीन दिन में हम अपना काम पूरा कर देंगे, वोट किसी का पड़ा मशीन चेंज करा देंगे, उससे पूरे जनपद के ग्रामीण अंचलों में, शहर में एक न्यूसेंस क्रिएट हो गया है। जनता को ऐसा लगता है कि हमने जन आंदोलन किया है, हमने वोट दिया है, ये क्या कह रहे हैं जिम्मेवार व्यक्ति। इसलिए हमें शक है, यही कारण है कि हमने दो चीजों की मांग की है। एक तो हमने ये कहा था इनसे कि आप हमें वहां रहने की परमिशन नहीं, वो दे दी है उन्होंने। कितने लोग होंगे? 10 की दी है, 5 रात में 5 दिन में। तो दिन रात पहरा होगा? हाँ, दिन रात पहरा है, होगा क्या। दूसरी बात, हमने एक उनसे और भी कुछ कहा है कि सुबह और शाम एक मजिस्ट्रेट रहता है, हम चाहते हैं मजिस्ट्रेट के साथ हमारे इलेक्शन एजेंट की या हमारी एक निरीक्षण करा दिया करें, हमें कोई दिक्कत नहीं है। पोल के पश्चात जो भी ईवीएम से हमारी वो मंडी परिसर में रखी हुई हैं धनीपुर, और ये माननीय आयोग की गाइडलाइन है कि जो 3 कॉर्डनिंग सिक्योरिटी सिस्टम है, तो थर्ड कॉर्डनिंग के बाहर हम लोग एक रूम या टेंट की व्यवस्था देते हैं, जिसमें जो भी कैंडिडेट हैं या उनके इलेक्शन एजेंट हैं या उनके द्वारा कोई भी ऑथराइज व्यक्ति है, वो वहाँ पे राउंड द क्लॉक 24/7 रह के अपना स्ट्रांग रूम की सुरक्षा व्यवस्था को देख सकता है। इसके साथ ही साथ ये भी प्रावधान है, यदि वो कभी चाहें तो सिक्योरिटी और वहाँ पर तैनात मजिस्ट्रेट की उपस्थिति में एक राउंड लेके अंदर भी जाके देख सकते हैं, परिसर के अंदर जाके भी देख सकते हैं। थर्ड क्वार्टर की डिमांड है किस पार्टी की तरफ से? नहीं, अलीगढ़ में तो अभी किस पार्टी की डिमांड आई है ये मेरी जानकारी नहीं है, मगर ये सभी कैंडिडेट्स के लिए 14 के 14 सभी लोग चाहें तो अपने कैंडिडेट वहाँ पे रख सकते हैं, कैंडिडेट खुद भी रह सकते हैं या उनके इलेक्शन रह सकते हैं, देख सकते हैं। तो समाजवादी पार्टी ने ऐसी कुछ डिमांड की थी सर? ये मेरी जानकारी में नहीं है, बट ये है कि वो अंदर परिसर में जाना चाहते हैं, एक बार देखना चाहते हैं घूम के, ये डिमांड आई है उनकी आज। जैसे ही द्वितीय चरण का मतदान सम्पन्न हुआ, हमने जिला निर्वाचन अधिकारी से मांग की थी कि हमें स्वयं सुरक्षा करनी ईवीएम की, उसके लिए हमें 5 आदमी दिन में 5 आदमी रात में ईवीएम की सुरक्षा के लिए हमें परमिशन दी जाए। उसी के तहत हमारे यहाँ 5 आदमी दिन में रहते हैं, दिन में तो और ज़्यादा भी रहते हैं, और 5 आदमी रात को रहते हैं जो 24 घंटे ईवीएम की निगरानी के लिए हैं। आज आप विजिट भी किया? आज विजिट की मैंने, तो ADM सिटी साहब थे साथ में, एक सेक्टर मजिस्ट्रेट थे और बहुजन समाज पार्टी के भी एक प्रतिनिधि थे, हाँ उनका भी कैंप लगा हुआ है बराबर, हाँ ईवीएम की सुरक्षा के लिए। तो हमारा उद्देश्य है कि चुनाव आयोग की जो मंशा है कि ईमानदारी निष्पक्षता से चुनाव संपन्न हो, उसी के तहत हमने प्रशासन से मांग की है कि हमारी हर शंका का समाधान करें।